जहां देखा गया है कि पुलिस जो है अभी कोरोना के चलते कितने ज्यादा लोगों के साथ रही है, हम कदम चली है, लोगों को घर में रखा है, खुद जान पर खेल के लोगों की मदद करी है, लोगों को घर में रखने की सलाह दी है। आज कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हम लोगों के लिए सहायता के लिए सहायता करती आ रही है, मगर आज कानपुर में रात में आज लगातार 8 पुलिस कर्मियों को धनाधन गोलियों के साथ शहीद कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी घटना सामने आई है और यहाँ पर आज पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। हम आज बात करेंगे यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सेवक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रजनीकांत दुबे, हम यहाँ पर उनसे बात करें कल की घटना पर इनकी क्या राय है। कल चौबे को कानपुर में जो घटना घटित हुई, सर्वप्रथम तो मैं दिवंगत 8 पुलिस कर्मियों के प्रति संवेदनाएं दुख व्यक्त करता हूँ और साथ ही 7 घायलों के प्रति और उनके परिजनों के प्रति मैं समाज सेवक पार्टी हर तरीके से उनकी सहायता के लिए वचनबद्ध हूँ। ये घटना बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके अतिरिक्त विकास दुबे DGP उत्तर प्रदेश के मुताबिक जो है उसके खिलाफ 61 मुकदमे पंजीकृत हैं, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसमें पुलिस कर्मी गिरफ्तार करने के लिए उसको गए और उन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें 8 पुलिसकर्मी CO स्तर के पुलिसकर्मी शहीद हुए, जो कि बहुत ही दुख के विषय की बात है, और 7 पुलिस कर्मी घायल हुए जिनकी हालत बहुत ही गंभीर है। देखिए किस बात को लेकर के फायरिंग हुई, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि पुलिस उस अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए गई थी और उसने पुलिस से बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग की, इसका मतलब कि इतने बड़े पुलिस बल कम था, नहीं तो यदि इतने बड़े अपराधी को गिरफ्तार करने गए थे तो शायद यदि पुलिस बल पर्याप्त होता तो अपराधी पकड़ा भी जाता, मारा भी जाता, ऐसी वारदात नहीं होती। कहीं ना कहीं उच्च अधिकारियों से इस घटना में चूक हुई और उत्तर प्रदेश सरकार का कहना था कि मेरी सरकार आती है तो अपराधी शहर छोड़ जाएंगे, कहाँ गया सरकार का वादा। आए दिन उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर मोहल्ले, हर गाँव में इस तरीके की घटनाएं घटित हो रही हैं, जिस पर सरकार कुछ भी कार्रवाई करने में असमर्थ है और लॉ एंड ऑर्डर पूरे उत्तर प्रदेश का तहत नहत है। पुलिसकर्मी को गुलाम बना रखा है सरकार ने, समुचित हथियार नहीं है, किन हथियार से अपराधियों ने हमला किया, इतने खातिर अपराधी वो अब तक बाहर कैसे था, इसका जवाब उत्तर प्रदेश सरकार दे सकती है। क्या ये जो सूत्र के हवाले से, मुखबिर के हवाले से सूचना गई थी कि यहाँ पर ये आदमी यहाँ मौजूद है, तो क्या ये सूचना गलत थी? देखिए ये सूचना गलत यदि होती, यदि पुलिस को ये सूचना न मिली होती तो पुलिस मौके पर गिरफ्तार करने कैसे गई होती और फिर उन लोगों ने पुलिस पर फायरिंग कैसे की, तो ये सूचना बिल्कुल सही थी, तभी पुलिस मौके पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। हमारे साथ रजनीकांत दुबे थे, जो कि यहाँ पर घटना हुई है उसके लिए बहुत ज़्यादा उन्हीं ने आभार व्यक्त किया है कि ये बहुत ही गलत हुआ है और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मैं वकार हुसैन, पावर ऑफ जन अधिकार से।